हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू MDPS स्टेइंग एट होम स्टडी प्रोग्राम। दिस इज़ द लेक्चर ऑफ सेकंड क्लास ऑफ मैथ सब्जेक्ट एंड टुडे वी स्टार्ट अवर सिक्स्थ चैप्टर बोरो एंड सब्ट्रैक्ट। इस चैप्टर में हम क्या है, बोरो के साथ सब्ट्रैक्ट करना, माइनस करना सीखेंगे। फर्स्ट टॉपिक क्या है इसमें हमारा, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू डिजिट नंबर्स विदाउट बोरो। बिना बोरो किए हम कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, वो हमारा फर्स्ट टॉपिक है इसमें। सो सब्ट्रैक्ट 23 फ्रॉम 58। हमने क्या है, 23 घटाना है किसमें से, 58 में से घटाना है। सो फर्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, राइट द नंबर्स इन द कॉलम्स। नंबर्स को सबसे पहले क्या है, हम कॉलम्स में लिखेंगे। कीप द बिगर नंबर ऑन द टॉप, जो बड़ा नंबर है उसको टॉप पर लिखेंगे। तो हमने क्या है यहाँ पे लिख लिया 58, क्या घटाना था 23, उसमें से घटाना था, हमने इसको कॉलम्स में लिख लिया। तो सेकंड स्टेप क्या होगा हमारा, कि सबसे पहले हम क्या घटाएंगे, जो वंस के प्लेस का डिजिट है सबसे पहले हम क्या है उसे घटाते हैं, और उसके बाद जो टेंस के प्लेस पर है उसे घटाते हैं। सो फिर वंस के प्लेस पर क्या है 8 and 3, 8 में से क्या है हमने 3 घटाना है। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे हम, 8 लाइंस लगा लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लाइंस लगा ली, और घटाना कितना है 3, इसमें से हम क्या है 3 को कट कर देंगे, हमने 3 कट कर दी, और जो बाकी रह गई उनको काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, तो हमारा यहाँ पे क्या आ गया 5। सेकंड क्या है, हमने 5 में से जो टेंस के प्लेस पर है वो घटाएंगे, 5 में से हमने क्या घटाना है, यही घटाना है ना, अब 5 में से हमने 2 घटाना है। तो 5 हम क्या है, 5 लाइन्स लगा लेंगे, 2 3 4 5, इसमें से हम 2 को कट कर देंगे और जो रहेगी उनको काउंट कर लेंगे, 1 2 3, तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया 3 आ गया। अब 58 में से जब हम 23 घटाएंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 35 आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, सब्ट्रैक्ट 34 फ्रॉम 89। 34 में से हमने क्या है, 34 घटाना है हमने किसमें से, 89 में से घटाना है। तो घटाओ, तो सबसे पहले क्या है, हम वंस के प्लेस पर जो डिजिट है उनको घटाते हैं। वंस के प्लेस पर क्या है 9, 9 में से क्या घटाना है 4 घटाना है। तो हम क्या है 9 लाइंस लगा लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लाइंस लगा ली, उसमें से 4 को हम कट कर देंगे, 1 2 3 और 4 कट कर दिए, और जो बाकी रह गए उनको काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे 5। नेक्स्ट क्या है, हम जो टेंस के प्लेस के डिजिट है उनको घटाएंगे, 8 में से क्या घटाएंगे 3, तो हम क्या करेंगे 8 लाइंस लगा लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, घटाना कितना है 3, इसमें से हम कट कर देंगे, तो हमने 3 कट कर दी, और जो रह गया उनको काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया 5। 89 में से जब हम 34 घटा देंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 55। ऐसे ही हमें यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल दी है, सब्ट्रैक्ट 24 फ्रॉम 68। 24 घटाना है किसमें से, 68 में से। तो सबसे पहले क्या है, हम वंस के प्लेस को डिजिट को माइनस करेंगे, 8 में से 4 माइनस किया 4 आ गया, और 6 में से फिर 10 के प्लेस के डिजिट को माइनस करेंगे, 6 में से 2 माइनस किया 4। सेकंड टॉपिक है हमारा इसमें रीग्रुपिंग, उनको अलग अलग ग्रुपों में कैसे हम लिख सकते हैं। फर्स्ट क्या है, टेंस टू वंस, 10 के ग्रुप को वंस में कैसे लिखेंगे हम। जैसे हमें फर्स्ट एग्जांपल क्या है, रीग्रुप 18 को हमने रीग्रुप कैसे कर सकते हैं, 18 कैन बी रिटन इन टू वेज। 18 को हम टू वेज में लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, एक तो इसको हम एक्सपेंड करेंगे, जैसे हम
110 हो जाएगा एंड 8 वंस हो जाएगा। एक तो ये बन जाएगा हमारा, क्योंकि 110 कितना होता है 10, 8 वंस का 8 बन जाएगा, तो हमारे पास टोटल कितना बन जाएगा 18 बन जाएगा। जैसे आप लगा लो कि हमने किसी को, आप एक शॉपकीपर हो, आपने क्या है किसी को रबर्स देनी है 18 रबर्स देनी है किसी को, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले या तो उसको ऐसे दे सकते हो कि आप उसको एक तो 10 का बॉक्स दे दो, जिस बॉक्स में 10 रबर्स हैं। एक तो हमने ये 10 का बॉक्स दे दिया उसको, इसमें क्या है 10 रबर्स हैं, और जो 8 रहेगी वो उसको हमने 1 1 करके काउंट करवा दी, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हमने उसको सिंगल सिंगल रबड़ दे दी, तो टोटल कितनी दे दी हमने उसको 18 दे दी ना। 110 मतलब एक जो बॉक्स दिया है उसमें कितनी थी 10 थी, और जो सिंगल सिंगल दिए 8 थी, 10 प्लस 8 18, तो हमने 18 दे दी। सेकंड आप कैसे दे सकते हो उसको कि आपने क्या है, आपके पास कोई भी बॉक्स नहीं है, आपने 18 के 18 उनको सिंगल सिंगल करके दे दी। जैसे यहाँ पे दे दी हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, हमने सिंगल सिंगल करके दे दी उनको 18 रबर्स दे दी हमने, तो 18 वंस, 1 1 करके दे दी ना हम उसको, तो हम इसको 18 वंस भी लिख सकते हैं। 18 वंस कितने होते हैं 18 होता है। तो हम 18 को कैसे कैसे रिग्रुप कर सकते हैं, एक तो हम उसको 110 प्लस 8 वंस भी लिख सकते हैं, और इसको 18 वंस भी लिख सकते हैं, दोनों क्या है इक्वली हैं, ये इसके इक्वली है क्योंकि इसकी वैल्यू भी 18 आएगी और ये 18 वंस की वैल्यू भी क्या है 18 ही है। सेकंड एग्जांपल देखो, हमारे पास एग्जांपल एक और है, रीग्रुप 34 को हमने रीग्रुप करना है। तो देखो आप कैसे कैसे रीग्रुप करोगे, एक तो जैसे हमने पहले किया था कि हम उसको क्या कर दें, 10 10 के बॉक्स हैं जो, हम उसको 3 बॉक्स दे देंगे, 1 बॉक्स 1 बॉक्स 2 बॉक्स और 3 बॉक्स 10 10 के दे दें हमने रबड़ के। तो 10 इसमें थी, 10 सेकंड वाले में थी, 10 थर्ड वाले में थी, तो टोटल कितनी दे दी हमने यहाँ पे 30 दे दी, रहेगी कितनी 4 4, हमने उसको सिंगल दे दी 1 2 3 4, तो टोटल कितनी बनी 34 बनी, हमने 34 ही देनी थी ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि हमने 3 टाइम तो दे दी उसको 10 10, 3 10s प्लस 4 हमने दे दी उसको 1 1 करके, 4 वंस, एक तो ये ग्रुप बन गया हमारा, ये ग्रुप बन गया ना हम, क्योंकि 3 10 कितना होता है 3 10 30, 4 वंस कितना होता है 4, 30 में से 4 प्लस किए तो 34 बन गया। और क्या कर सकते हैं हम उसको, हमने उसको दे दी एक, हमारे पास 2 तो बंद बॉक्स थे, हमने 10 10 के 2 तो बॉक्स दे दिए हमने, 1 बॉक्स 2 बॉक्स, जो बाकी रहेगी उसको हमने सिंगल सिंगल दे दी, सिंगल सिंगल हमने कितनी दे दी काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14, हमने उसको सिंगल सिंगल करके 1 1 करके दे दी, तो 14 तो हमने वंस दे दे उसको, और 2 हमने बॉक्स दे दिए 10 10 वाले, 2 बॉक्स 10 10 के दिए कितने हुए 20, एक में 10 दूसरे में 10, 10 प्लस 10 20, 14 हमने उसको 1 1 करके दे दी, तो अब जब इनको प्लस करेंगे तो कितना बन जाएगा 4 और 2 प्लस 1 3 34, तो यही हमने देनी थी 34। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि हमने 2 तो दे दी उनको 10 10 करके, 14 दे दी हमने 1 1 करके उसको, ये क्या है दोनों, इस साइड भी 34 दी थी हमने, इस साइड भी 34 ही बने हैं, तो ये क्या है, उसको अलग अलग ग्रुप बनाकर हम उसको दे सकते हैं ना, क्योंकि 3 10s मीन 30 और 4 वंस मीन 4 इज इक्वल टू 4
और 334। टू टेंस मीन, इस साइड देखो, टू टेंस मीन 20 और 14 वंस मीन 14, हम उसमें प्लस करेंगे 4, 2 प्लस 1 3, 34। तो दोनों साइड सेम ही है ना। सो हम क्या बोल सकते हैं, 3 10 एंड 4 वंस इज सेम एज 2 टेंस एंड 14 वंस। ये दोनों क्या है, सेम है, इक्वली है ना, दोनों सेम है। सो हियर वी कंप्लीट आवर फर्स्ट लेक्चर ऑफ 6th चैप्टर, बोरो एंड सब्ट्रैक्ट। सो थैंक यू टू आवर स्टूडेंट्स।